अब स्वास्थ्य विभाग ने 33,000 से अधिक कोविड हेल्प डेस्क विभिन्न विभागों से समन्वय बनाकर पूरे किए हैं। इनमें बाल संरक्षण के, महिला संरक्षण के, वृद्धाश्रम के निवासियों को अभी स्वास्थ्य परीक्षण संक्रमण से रोकने का विशेष निर्देश उनके द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा यदि कोई संक्रमित मिले तो उसके उपचार की समुचित व्यवस्था जरूर हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में जनपद स्तर पर एम्बुलेंस की अतिरिक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, निजी अस्पतालों में ट्रूनेट मशीनों की स्थापना व उनके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए और टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि के निर्देश देते हुए कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के अतिरिक्त आरटीपीसीआर के अंतर्गत ही 30,000 टेस्ट प्रतिदिन कराए जाए। आपको मालूम है कि लगभग निरंतर 25,000 से 26,000 तक टेस्ट होते रहे हैं और ऐसे में अब इसको 30,000 तक पहुंचाने का एक लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। कोविड अस्पतालों में जो भर्ती मरीज हैं वो उनका जो है संवाद उनके अपने परिवारजनों से अवश्य हो, फोन से उनसे बात करा दे जिससे कि उनका हालचाल उनके परिवारजन ले सकें और जो मरीज हैं वो अपने निकट संबंधियों से बातचीत कर सकें।